चल भाई कर दियो स्टार्ट। कर स्टार्ट भाई, एक बार ध्यान से सुनियो भाई, मारे कुछ मुद्दे हैं तारा गए या बात रखना चाहूं भाई। तम सारे हरियाणा के हो यानी कोई भी आउटसाइड भी हो भाई, कोई दिक्कत को नहीं उस बात में। मारा भाई पेपर होया था 56-57 ग्रुप का 8 अगस्त ने 7-8 अगस्त ने दो पेपर हुए थे भाई। अभी तक 9 महीने हो चुके हैं भाई, तारीख पे तारीख कोल्टा में सरकार अच्छे से पैरवी नहीं कर रही भाई। माम तरते यही उम्मीद करा जो भी भाई है या हमारी बात सुनो, कोई भी तमने सरकार का नुमाइंदा मिला उसका आगे हमारी बात रखो। किन बड़का ने यानी बहुत दिन हो गए बाट देखदा ने, मामने हमारा क्या कसूर है? मामने तैयारी करी, पेपर दिया, रिजल्ट की वेट में हम दर बदर धक्के खा रहे हैं भाई। तो आप तो हाथ जोड़ के अपील है, जो भी मेरे साथ भाई आ रहे हैं, बहुत भाई इकट्ठे हो रहे हैं सारे भाई, या मुहिम छेड़ी है हमने ताकि हम लोग अवगत करावा कि हमारे साथ के बन रही है। तो मैं तरता हाथ जोड़ के अपील करूं भाई, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा यार कोई भी तमने सरकार का बंदा मिला नहीं, मारी आवाज उठाओ। माम अपने रिजल्ट खातर धक्के खा रहे हैं भाई, तो हाथ जोड़ के तरते यही विनती है भाई, हम नया मुहिम चलाई है सारी बसा में जाके हम लोग यही चीज बताओगे। तो धन्यवाद भाई, आप तो यही कहना चाहते थे, राम राम सारे ने। भाई 56-57 का एग्जाम था हमारा, 56-57 में 56 ग्रुप में 6000 वैकेंसी है भाई, पटवारी, सेक्रेटरी, एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, 57 ग्रुप में क्लर्क वगैरह की वैकेंसी है भाई। इन्होंने अभी ग्रुप डी की वैकेंसी का पहले रिजल्ट निकाल दिया भाई, जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे उन्हें 56-57 में नौकरी मिल जाए, वही बालक ग्रुप डी में बैठ रहे हैं। तो क्या हो गया, उन्हें ग्रुप डी में ज्वाइन करनी पड़ेगी, जो बढ़िया क्वालिफिकेशन वाले बालक हैं वे ग्रुप डी में लागेंगे भाई। हरियाणा पुलिस तक असर दिखेगा इस भर्ती का, सारी भर्तियां पे इफेक्ट पड़ेगा भाई, हरियाणा पुलिस पे भी। जो भाई डी पे खड़े थे सोचा थे कि मारा यानी थोड़े नंबर में भी ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाए, इवे जो भाई 56-57 वाले है नी, इसको ठाडा मार रहे हैं ग्रुप डी में भी, तो इनका वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। तो अब सारी तरफ तय मरिया है बड़का का, तो है रीजन कुछ नहीं, पैरवी नहीं कर रही सरकार। सरकार सर अपना इलेक्शन का मुद्दा उसके साथ चल रही है, इलेक्शन में नजदीक ले जाएगा, विधानसभा नहीं उठा रही, पैरवी नहीं कर रही, डेट ले ले अगली डेट पे डेट मिले हैं। एजी साहब डेट लेके आए थे किसी दिन, एजी साहब बीमार हो जाए किसी दिन कुछ भाई, माम देखो हमारी तकलीफ है, हमारे पे बीत रही है ज्यादातर आगे बताई है। तो आप तो उम्मीद करा कि हमारी बात लोगों तक पहुंचाओ।